अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वरकातुहू। वालेकुम मैयत को दफन करते वक्त मुल्तानी मिट्टी में दवा मिलाकर अंदर डाल सकते हैं ताकि जिस्म जल्दी ही गल जाए? कैसी दवा, किस चीज की दवा? जिस्म गलने की नहीं, कोई दवा नहीं डालेंगे, कोई दवा नहीं डालेंगे, ना कोई खास मिट्टी डालेंगे, ना कोई खास दवा डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। बस कब्र खोद करके उसमें दफन कर देंगे। कोई चीज डालने की जो है शरीयत में कोई ऐसी इजाजत नहीं है। जी, जैसे आजकल कब्र की जगह खरीद कर मैयत को दफन करते हैं और मैयत को जिस जगह दफन किया गया कुछ दिन बाद उस मैयत को निकाल कर दूसरी मैयत को डाल देते हैं, ये गलत है। अगर उस मैयत का के जिस्म के बाकियात अभी मौजूद हैं तो उसको निकालना ये जायज नहीं है, उसकी जगह पर किसी और को दफन करना। उस वक्त तक इंतजार कीजिए जब तक मुकम्मल तौर से खत्म ना हो जाए। जब मुकम्मल तौर से खत्म हो जाए फिर उस जगह पर कब्र दोबारा खोद करके किसी और को दफन कर सकते हैं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर से सगुल, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में शेख, हमारे यहाँ जैसे अभी शहर है, शहरों में आप तो जानते ही हैं कि जगह कम होती है कब्रस्तान की, तो अब उसमें क्या होता है, मैंने जो देखा है हमारे यहाँ कब्रस्तानों में कि कब्र खोद दी जाती है उस वक्त जब कुछ हड्डियां बची होती है, और फिर जब मैयत को दफन किया जाता है दूसरे जनाजे को, तो उसके साथ साथ उन हड्डियों को भी वापस से दफन कर दिया जाता है। ये किया जा सकता है। देखिए, जैसे जब आपको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हड्डियां होंगी कि नहीं, आपने कब्र खोदा, पता चला कि कुछ हड्डियां पहले से मौजूद हैं, तो उन हड्डियों के साथ कोई बेहुर्मती नहीं होगी, बाकायदा उनको भी दफन कर दिया जाएगा, दूसरे मैयत को भी दफन कर सकते हैं। जी, जी, जी।